हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिंदगी एक सफर बाय आयुषी। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ बहुत बहुत एक्साइटेड क्योंकि मैं और जुयाल जी हम दोनों के दोनों आज जा रहे हैं कैंची धाम। और मैं काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ क्योंकि पिछले 6 महीने से तो मैं प्लान कर ही रही हूँ कैंची धाम जाने का, बट कभी कुछ होते रहता है, सो नहीं हो पाया जाना। एंड सेकेंड, ये भी कहते हैं कि जब तक बुलावा नहीं होता आपका तब तक आप नहीं जाते हो। सो यस, ये तो सच है। एंड हम जब भी मेरा कैंची का प्लान बनता है तो वो हमेशा ऑन द स्पॉट बनता है, कभी प्री प्लान नहीं रहता है। पहले से मैंने कभी नहीं प्लान किया रहता कि जाऊंगी, बट सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हो ही जाता है जाना। हमारा सैटरडे भी है एंड संडे को जुयाल जी का ऑफ है, सो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आप ही निकले। हमारी 4 o'clock की ट्रेन है, अभी हो रखा है 2:45, 3:15 बज रहे हैं अभी। सो हम क्या करेंगे, हम क्विकली बाबा का आशीर्वाद लेंगे और फिर हम चलते हैं कैंची धाम। ये जो ट्रिप है हमारा कैंची धाम का, ये बहुत ही बहुत मजेदार, बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो पूरा आपको कैप्चर करके दिखाएंगे, स्टे ट्यून। सो फ्रेंड्स, मैं और जियाल जी हम दोनों के दोनों निकल चुके हैं अपनी मंजिल की तरफ, कैंची धाम। अभी मैं और जियाल जी आ रखे हैं रिस्पना पुल पे और हम लोगों ने यहाँ से रैपिडो बुक कर दिया है। सो हमारा रैपिडो वाला आ रहा है और वो हमें छोड़ेगा रेलवे स्टेशन। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी जन शताब्दी जो जाती है देहरादून से काठगोदाम, पर हम लोगों को काठगोदाम तक नहीं जाना है। हम बीच में स्टेशन आएगा रुद्रपुर, वहां रुक जाएंगे और वहां हमारे जेठ जी हमको पिक करने आएंगे। और ये सामने है हमारी शताब्दी एक्सप्रेस जो कि देहरादून से न्यू दिल्ली जा रही है और ये निकलेगी शाम के 5 बजे, रात के 11:30 बजे ये नई दिल्ली पहुंचेगी। वेयरहाउस हमको जाना है काठगोदाम मुरादाबाद देहरादून में। हम लोग बैठ चुके हैं अपनी सीट में, कितने टाइम बाद, और टाइम में दिल्ली जाती थी अपने नानी के घर, सो हम लोग शताब्दी से जाते थे। आज हम लोग जा रहे हैं कैंची वाया ट्रेन। तो फ्रेंड्स, ट्रेन में बैठे बैठे मुझे एक नीम करोली बाबा वाला इंसिडेंट याद आ गया था कि बाबा ट्रेन में बैठे हुए थे और उनके पास टिकट नहीं था तो टीटी ने उनको स्टेशन में उतार दिया था। स्टेशन में रुकने के बाद जब ट्रेन आगे चलने को हुई तो ट्रेन चली नहीं, फिर काफ़ी कोशिश करा, काफ़ी इंजीनियर्स को बुलाया, उन लोगों ने चेक करा तो ट्रेन में कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं, इंजन बिल्कुल परफेक्टली फाइन थे। फिर किसी ने बोला टीटी को कि जो बाबा को आपने उतारा है ट्रेन से, उनको वहाँ साइड में जो बैठे हुए उनको आप मनाइए और उनको वापस ट्रेन के अंदर बिठाइए तो ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। तो टीटी ने बाबा को सॉरी बोल के अपोलोजाइज करके उनको उनके पास गए, उनको मनाया बाबा को, और जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे ट्रेन वापस से स्टार्ट हो गई। सो ये सबसे पहला इंसिडेंट है जो बाबा का ट्रेन वाला कहानी है, ओरिजिनल कहानी, और जैसे बैठे बैठे याद आया था तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताऊं। और अभी हम लोग निकलने वाले हैं, टाइम हो चुका है, सिर्फ 2 मिनट और हैं। सो फ्रेंड्स, जिस ट्रेन में हम लोग बैठे हैं देहरादून से, अभी ये स्टार्ट होगी और ये यहाँ से जाएगी हरिद्वार, हरिद्वार से फिर ये जाएगी नजीबाबाद, फिर मुरादाबाद, मुरादाबाद से रामपुर, फिर रुद्रपुर, रुद्रपुर में हम लोगों को उतरना है, वहाँ से लाल कुआँ जाएगी एंड लास्ट में काठगोदाम। काठगोदाम इसका एंड है, वहाँ से हम लोगों को जिनको कैंची जाना है वहाँ से बस लेंगे नैनीताल की और नैनीताल से वापस अल्मोड़ा की बस पकड़ेंगे तो वो कैंची पहुँच जाएंगे। मेरे आज हम लोग को उतरना है रुद्रपुर में। हमारी ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है, ये आपको व्यू दिखाते हैं बाहर का। जिनका एग्ज़ाम है कल, मैं कल हल्द्वानी में, और ये लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं यहाँ ताश खेल के। पहले वाले काफ़ी सिंसियर होके बैठे हुए हैं, उनको एग्ज़ाम की टेंशन हो रही है, बाकी लोग मस्त होके अपना ताश खेल रहे हैं। पूरा ग्रीनरी ही ग्रीनरी और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में पूरा व्यू। क्यों दो पैर वाले जंगली जानवर दिखेंगे? बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है। तो आई थिंक कोई भी ट्रैवल करना चाह रहा है देहरादून से रुद्रपुर, हरिद्वार, तो वो इस ट्रेन के थ्रू जा सकते हैं। बहुत ही प्राइस रीजनेबल है, बहुत ही चीप है, आई थिंक बेस्ट मोड है, साफ़ सफाई के मामले में बहुत ही अच्छी है और
इजीली यू नो आप व्यू देखते देखते नज़ारे देखते देखते आप आराम से पहुंच जाएंगे। सो हम लोगों ने ये वाला ऑप्शन लिया और बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम रिग्रेट भी नहीं कर रहे हैं ये ऑप्शन लेके। पहले एक बार बुक करने के बाद काफ़ी डर लग रहा था, पता नहीं कैसा होगा, कैसे हम पहुँचेंगे रुद्रपुर तक, बट बहुत ही मज़ा आ रहा है अभी तक तो। और हम रायवाला पहुँच चुके हैं, रायवाला स्टेशन है मेरे बगल में और अब हम जा रहे हैं हरिद्वार के लिए। अभी जो ट्रेन है वो हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे रुकी है और मैं यहाँ से कुछ खाने के लिए कप्पा मेनिया ले रही हूँ, क्योंकि चलती ट्रेन में बहुत प्यारा व्यू देख के कप्पा मेनिया खाने का मज़ा ही कुछ और है। सो हम देखते हैं यहाँ पर मैगी कप्पा मेनिया मिलता है कि नहीं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कप्पा मेनिया ले लिया है और ये प्राणी इतना डर रहा है, मुझे बार बार फोन पर फोन करे जा रहे हैं, इतने डर पो गए और मुझे वो डरा दिया। 5 मिनट हुए मुझे गए हुए, 3-4 कॉलें मुझे कर दी बैक टू बैक। ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है हरिद्वार से, आई थिंक आधा घंटा रुकी थी ना, पर 20 मिनट रुकी थी हरिद्वार में और अब हम लोग इंजॉय कर रहे हैं अपनी मैगी। उन्होंने पूरी ख़त्म कर दी, इतने भुक्कड़ है यहाँ देखो, मैंने बचा के रखी है क्योंकि मुझे मज़े लेना था विंडो सीट के बगल में बैठ के और अपनी व्यू को इंजॉय करके अपनी मैगी बना। फ्रेंड्स, अभी हम नजीबाबाद पहुंच गए हैं, ये है नजीबाबाद स्टेशन। सो फ्रेंड्स, एक ऐप के थ्रू भी आप ट्रैक कर सकते हैं जिस ट्रेन में आप बैठे हो। नैनी देहरादून टू नैनी जन शताब्दी है ये एक्सप्रेस और ये हमारी ट्रेन आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख रखा है डिलेड बाय 43 मिनट्स। इसको पहुंचना था यहाँ पर 9:46 को रुद्रपुर सिटी में, बट ये 10:29 PM को पहुंचने वाली है क्योंकि 43 मिनट्स का डिले है। और अभी हम रुद्रपुर से 1 किलोमीटर अवे हैं। हम लोग रुद्रपुर पहुंच चुके हैं 10:29 पे एग्जैक्ट, अब हम यहाँ से एग्ज़िट ले रहे हैं बाहर के लिए और देखते हैं हमारे जेठ जी कहाँ हमारा वेट कर रहे हैं। ये रुद्रपुर सिटी का ये है आपका रेलवे स्टेशन और अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, होपफुली बाहर वेट कर रहे होंगे भाई साहब हमारा। तो फ्रेंड्स, वो हैं हमारे जेठ जी जो पिछले 1 घंटे से हमारा वेट कर रहे हैं। जेठ जी प्रणाम, हम जा रहे हैं यहाँ से घर। सो फ्रेंड्स, हम लोग रुद्रपुर सिटी पहुंच चुके हैं और जेठ जी हमको लेने आ गए थे और काफ़ी लेट हो चुकी है इसलिए हम बाहर ही खाना खा रहे हैं। खाना खा के हम लोग आराम करेंगे और कल मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे कैंची धाम के लिए। सो आज का ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।